जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हम लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा जो जितने भी वीडियोज़ बनते हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। वीडियोस अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन में दिशा जाननी है, दशा जाननी है, उनके लाइफ में करियर की, मैरिज से रिलेटेड कोई भी उनको जीवन में समस्या हो, वो अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती है। दोस्तों जो ये वीडियो है नवमांश के थ्रू जो है हमारे पास्ट लाइफ को जानने का, ये कोई बहुत ज़्यादा नया विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही आपसे कहूँगा, जो नवमांश या जो D9 चार्ट होता है वो बहुत विषयों के लिए जाना जाता है। जैसे स्पेसिफिकली हम उसको शादी के लिए भी जानते हैं, स्पेसिफिकली हम उसको ऐसे भी जानते हैं कि जो हमारा लगन चार्ट है वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनका क्या असली बल है, क्योंकि नवमांश के साथ जोड़ के ही प्लैनेट का बल देखा जाता है कि भाई किस प्रकार से वो आपको फल प्रदान करेंगे दोनों को मैप करके। यहाँ पे एक और इसका तीसरा एस्पेक्ट है, वो तीसरा एस्पेक्ट जाता है हमारे पास्ट लाइफ के, जो इमिजिएट पास्ट लाइफ हुई है उससे रिलेटेड पूरे चार्ट के ऊपर। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ये मान के चलिएगा। लेकिन इससे हमको पता क्या चलता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जीवन में अगर जो भी प्रेजेंट कंडीशंस हैं अच्छी या बुरी, वो हमको पता चल जाती हैं कि किस वजह से है। पहले तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हमको उचित उपाय मिल जाते हैं, तीसरा हम अपने पूरे अगल बगल अपने जीवन में स्वयं को, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अगर हमको प्रॉब्लम्स हुई हैं या हो रही हैं तो हम उनको बहुत करेक्ट कर सकते हैं। लोगों के जीवन में कई बार ये प्रश्न, ये क्वेश्चन रहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम बहुत अच्छी तरीके से जीवन चल रहे हैं, और फला व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत अच्छी तरीके से नहीं भी चल रहा है बट उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, उनका जीवन बहुत अच्छा है। कई बार देखिए ये प्रश्न आता है, और कई बार व्यक्ति स्वयं में बहुत ज़्यादा निराश होता है, बहुत हताश होता है इन चीज़ों को लेके, तो इस वीडियो से उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि देखिए ये विषय था और कैसे हमको अब उस चीज़ के साथ डील करना है। तो देखिए नवमांश कुंडली जो होती है, हम लोग इस बात को परे हटा के कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ और करी जाती है, स्पेसिफिकली हम उसको पास्ट लाइफ का चार्ट माने। फ़र्क क्या है, फ़र्क है जो D9 का या नवमांश लगन का जो फर्स्ट हाउस होगा वो आपका पास्ट लाइफ का 9th हाउस है, उसको ऐसे समझ लीजिए। अब ये आपका 9th हाउस जो है पास्ट लाइफ का, अब 9th हाउस के बारे में हम लोग जानते हैं सब कि 9th हाउस से हम धर्म को देखते हैं, हमारे पिता को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, लर्निंग को देखते हैं, हमारे जीवन में हमारा क्या विचार है, हमारा क्या हायर थिंकिंग प्रोसेस है, हम उसको देखते हैं। अब लगन कुंड जो हमारा नवमांश का जो लगन है फर्स्ट हाउस, वो आपके पूर्व जन्म का, इमिजिएट जो पूर्व जन्म है उसका आप समझ लीजिए 9th हाउस है, आप ये मान के चलिए। जो पहला घर है नवमांश कुंडली में आपका, आप उसको क्या मान के चलेंगे कि ये हमारे पूर्व जन्म का भाग्य का घर था फर्स्ट हाउस नवमांश कुंडली का। अब हमको उससे क्या पता चला, हमें पता चल गया कि नवमांश कुंडली जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल गया कि अच्छा हमारा पत्रिका में नवमांश का जो ये लगन का लॉर्ड है, जो कि पूर्व जन्म का हमारा 9th हाउस का लॉर्ड था, धर्म का लॉर्ड था, पिता से संबंधित लॉर्ड था, हमारे धर्म हम किस प्रकार से निभाते थे
उसका लॉर्ड था, हमारी सोच कैसी थी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उसका सोच, ये उसका घर है, हमें पता चल जाता है। अब अगर मान लीजिए नवमांश कुंडली में आपका जो फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि हमने पूर्व जन्म में पिता से संबंधित, भाग्य से संबंधित, धर्म से संबंधित, किसी प्रकार की समझदारी, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से संबंधित, गुरुओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, हमने सही तरीके से उसका व्यवहार नहीं किया है। कहीं ना कहीं हमसे उन चीज़ों में गलती हुई है, उन चीज़ों से रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा है। अब देखिए, जो आपके नवमांश कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। पता चला वहाँ पे मंगल, शनि, राहु, केतु, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। मान लीजिए वहाँ राहु महाराज बैठे हैं, नवमांश कुंडली के पहले घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब ये पहला घर हो गया हमारा पास्ट लाइफ का, नाइन्थ हाउस जो इमीडिएट पास्ट लाइफ है, यानी कि राहु अगर पहले घर में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो यानी कि हमारे पास्ट लाइफ के धर्म के घर में नाइन्थ हाउस में राहु महाराज बैठे थे। तो हमने हो सकता है अपने पिता के साथ रीति रिवाजों, नियम, इन सब चीज़ों के साथ, धर्म के साथ कई बार अपनी मनमानी करी हो, कई बार हमने उनको ना माना हो, हम उनसे विपरीत चले गए हों, तो पिता के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हों, गुरु के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हों, हमने चीज़ों को अपने हिसाब से किया है, हमने अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग को डेवलप किया है, जो हमारा घर परिवार का ट्रेडिशन था, रीति नियम थे, वो हमने नहीं माने हैं, हमको ये पता चल जाता है उसी तरीके से ना। नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर मान लीजिए इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये हमारे पास्ट लाइफ के भाग के घर में बैठे हुए हैं, हम इसको ऐसा देखेंगे। तो अब अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो इसका मतलब हमसे नाइन्थ हाउस से रिलेटेड गड़बड़ हुई है, पूर्व जन्म के नाइन्थ हाउस से रिलेटेड गड़बड़ हुई है, और उसका भुगतान अब की बार हमको भुगतना पड़ सकता है, यानी कि हमारा भाग्य खराब हो सकता है, हमारी पढ़ाई लिखाई खराब हो सकती है, पिता के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कुल में किसी प्रकार की परेशानी चली आ रही है, ऐसा हो सकता है, किसी प्रकार का पितृ दोष हो सकता है, हमको तुरंत पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए, और भी इसकी बहुत सारी गहरी बातें हैं, इसको डीप में अगर हम जाते जाएंगे तो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे खुल के इस माध्यम से मैं बहुत कुछ यहाँ पे वहाँ नहीं बता सकता हूँ, वजह क्योंकि सब प्रकार के लोग देखिए ये वीडियोस देखते हैं, कई बार किसी का मन हल्का होता है, कई बार इसका कोई गलत फ़ायदा उठा लेता है वीडियो का, जान के समझ के दूसरों को किसी प्रकार का भरमाना, डराना, कुछ करना ये कर सकता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, और आप इसको पाएंगे भी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नवमांश का फर्स्ट हाउस आपके पूर्व जन्म का जो है वो भाग्य का घर था, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे हमारा जो नवमांश का जो फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, बुध बैठा है, बृहस्पति बैठा है, अच्छा चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, सूर्य देव बैठे हुए हैं बलि होके, तो आप देखेंगे, या कोई ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, अपनी राशि का तो कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे शनि महाराज हो, चाहे मंगल महाराज हो, अगर अपनी राशि के बैठे हैं तो आपने अपने धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, पिता के साथ पूरी तरीके से आपने जो है अपना धर्म निभाया है, अपना सही तरीके से काम किया है, उसका फल आपको अब की बार भी देखने को मिलेगा। क्या कि आपको अब की बार भाग्य से संबंधित जीवन में वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी, पिता से आपको स्नेह, पढ़ाई लिखाई, गुरु, धन, वैभव, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आपके अंदर फेथ भी बहुत ज़्यादा होगा, हर प्रकार से आपको खुद ही उस चीज़ का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये वाला पॉइंट है हमारे साथ। और वहीं पे अगर
नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में, जो कि आपके पूर्व जन्म का भाग्य का घर था, नाइन्थ हाउस था, वहाँ पे अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और वक्री भी हैं, और मान लीजिए कि आपके नवमांश का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठा है, वो भी नीच का है, प्रताड़ित है, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपने अपने बड़ों से, गुरु से, पिता से, धर्म से, ज्ञान से आपने सही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें ये भी बात आती है कि भाई हम किसी प्रकार के ज्ञानी थे, समझदार थे, हमको हर प्रकार की नॉलेज थी, लेकिन हमने उसको सही तरीके से ना यूज़ करके उसको अपने फ़ायदे के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए या भटकाने के लिए या उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हमने किया है, तो आज हमको उसका फल मिलता है। आज के जीवन में देखेंगे हम तो हमारा जो नाइन्थ हाउस है लगन कुंडली में, जो हमारा नाइन्थ हाउस है वो मोस्टली जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपको इसका खुद ही अंदेशा यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अब नवमांश कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे पूर्व जन्म का टेंथ हाउस होता है, कर्म से रिलेटेड। अब इससे पहले मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि देखिए, अब नवमांश कुंडली का जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म का भाग का या नाइन्थ हाउस होता है। अब मान लीजिए नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है राहु महाराज बैठे हुए हैं, और राहु की दशा आपके जीवन में अब की बार आती है, और ये जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ये राहु नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में, तो ये बता रहा है कि आपके पूर्व जन्म में पास्ट लाइफ में ये भाग्य के घर में बैठा हुआ था राहु, और वहाँ पे अगर वो मित्र राशि का अपना उच्च का, मिथुन का, कन्या का, कुंभ राशि का अगर बैठा हुआ है तो उत्तम बात है, अगर ये किसी दूसरी राशियों का बैठा है, शत्रु राशि का, सिंह का, कर्क का, वृश्चिक का अगर बैठा हुआ है जैसे मान लीजिए, और अब की बार आपकी राहु की दशा आ रही है या आप राहु की दशा में चल रहे हैं, तो आप याद रखिए अब की बार, अब जब राहु की दशा आएगी तो राहु की दशा में आपको काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, ये भी उसका इंडिकेशन है। व्यक्ति पूछता है ना कौन सी दशा हमको प्रताड़ित कर सकती है, ये चीज़ जान लेना भी आपको उचित है कि यहाँ आपको फिर खराब रिजल्ट उसके देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से अब नवमांश कुंडली का जो सेकेंड हाउस होता है, नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस हमारे पूर्व जन्म का कर्म का स्थान होता है, हमारा कैरियर का स्थान होता है, कर्म का स्थान होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस पास्ट लाइफ के संदर्भ में। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर अब हमारे नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो हमने अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म किया होगा, आप ये सोच लीजिए कि हमने कौन से कर्मा यहाँ पे किए होंगे, उग्र कर्म किए होंगे, लोगों को प्रताड़ित करने वाले, परेशान करने वाले, कष्ट देने वाले हमने कर्म यहाँ पे लोगों के साथ किए होंगे। अब जितना मेलिफिक असर, जितना बैड इन्फ्लुएंस आपके नवमांश में सेकंड हाउस पे पड़ रहा है, आप उतना सोच लीजिए आपने कर्म खराब किए हैं। जैसे मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में, मंगल बैठा हुआ है और वो शत्रु राशि का है, वहाँ पे बैठा हुआ मंगल, वहाँ पे और किसी मेलिफिक प्लैनेट्स के द्वारा वो दृष्ट भी है, और उसके साथ कोई और मेलिफिक प्लैनेट भी मान लीजिए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो बताता है कि आपने अपने काम के समय बड़ी उग्रता, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, चोरी, चकारी, बैकस्टैबिंग सब कुछ यहाँ पे करी है, क्योंकि देखिए खराब मंगल इज़ अ वेरी बैड मंगल, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, तो फिर वो क्रूरता की हद को पार कर देता है हर एक तरीके का। वो कहते हैं ना कि हमने ज़ोर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके हर चीज़ को हमने किया। अच्छा,
ये कर्म सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं शो होता है कि हमने काम, हम नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे तो हमने वहाँ कर्म खराब किए हैं, वहाँ तो हमने खराब कर्म किए ही हैं, साथ में वो हमको ये भी बताता है कि हमारा जनरल आउटलुक कर्म के लिए ऐसा ही था कि हम किसी के साथ, जब कोई काम होता है हमारा दुनिया में सबके साथ काम पड़ता है, हम सबके साथ लोगों की मदद करते हैं, काम करते हैं उनका, तो हमारा जो एटीट्यूड था काम करने का किसी के साथ भी वो इस तरीके से था। अच्छा, अब हमारे जीवन में फिर अब की बार हम देखते हैं कि हमको अपने कर्म में या प्रोफेशन में या करियर में बहुत परेशानी आती है, कई प्रकार के लोग हमारे जीवन को हमें नीचे घसीटने वाले आ जाते हैं। हम सोचते नहीं हैं, अरे हमारी नौकरी चल रही थी, हमारा बिजनेस चल रहा था, फलाना काम हुआ, फलाना व्यक्ति हमारे जीवन में आया, हमारे ऑफिस में फलाने व्यक्ति आ गए, हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, या हम किसी के साथ जुड़ गए, बिजनेस में जुड़ गए, किसी के साथ जुड़ गए और हमारा बंटाधार हो गया वहाँ पे। हमको समझ नहीं आता है इस चीज़ से, इसका रहस्य छुपा हुआ है नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस में, जो हमारे पास्ट लाइफ का 10th हाउस था। इस बात को याद रखिए, 10वां स्थान जो कर्म से रिलेटेड था हमारे, आज वो कर्म हमारे पास घूम के वापस आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब वो प्लैनेट जो कि नवमांश के सेकंड हाउस में बैठे होंगे, और अगर वो खराब प्लैनेट हैं, अब उनकी दशा आई आपके जीवन में, मान लीजिए वहाँ मंगल केतु बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस में, अब इन दोनों में से किसी की भी दशा आपकी अब की बार जीवन में आई, तो सबसे ज़्यादा क्षति आपके जीवन में कर्म को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, यश को लेके, नाम को लेके, सरकारी कोई ट्रबल प्रॉब्लम्स, अधिकारियों के साथ आपको प्रॉब्लम, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट या दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो भी नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे होंगे, आप ये सोचेंगे कि भाई इस प्लैनेट की दशा हमारी, नॉर्मली हम देखें कि भाई शनि की दशा हमारी इतनी बुरी क्यों जा रही है लाइफ में, या केतु की दशा हमारी क्यों इतनी बुरी जा रही है, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि अच्छा, नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में ये वाली स्थिति बनी हुई है, केतु शनि के साथ बैठा हुआ है, तो हमने अपने पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म थे, हमने इसी तरीके का बिहेव किया है। हम या तो उदासीन रहे हैं, हमने कर्म नहीं किया है, हमने कोई काम ही नहीं किया है किसी, आज हमको उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है कि भाई हम कोई पोजीशन में हों भी मान लीजिए, और लेकिन हमने किसी का काम ही नहीं किया, किसी के काम नहीं आए जीवन में, विरक्ति हमको रही अपने, तो हमने अपने कामों को संपूर्ण नहीं किया, पूरा नहीं किया। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, येन केन किसी भी प्रकारेण, आपको अपने कर्मों को पूरा करना ही होता है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है और उससे संबंधित आपके कार्य पूरे पूर्व जन्म में नहीं हुए थे, तो अब की बार वो अपनी दशा, अंतर दशा में वो कार्य पूरे करवा लेगा आपसे, अच्छे में या बुरे में, वहीं पे नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके चार्ट में नवमांश कुंडली के, मित्र राशि में बैठे हैं, शुभ दृष्ट हैं, 2-3 शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है साथ में, आपने अपने पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे, बड़े उत्तम कर्म किए थे जिसको कहा जाए, बड़ों के साथ, स्त्रियों के साथ, जिनसे आप मिले, जो आपके साथ कार्य करने वाले लोग थे, आप उनके साथ बड़े ऑनेस्ट रहे, ज्ञान से आप, ज्ञान में आपकी रुचि थी, आपने हर तरफ ज्ञान ही बांटा, आपने विवेक से, समझदारी से, आपने बड़े अच्छे से अपने कार्यस्थल पे चले, अपने आपने जीवन में हर काम को एक, जिसको कहा जाता है ना, धर्म समझ के निभाया है आपने, तो आप अपने कर्म में उत्कृष्ट रहे हैं उस चीज़ में। आज उन्हीं प्लैनेट्स की जब दशा आपके चार्ट में आती है तो आपको सुंदर फल मिलता है, कर्म में आपका सुंदर होता है, आपका यश होता है, नाम होता है,
आपकी अच्छी पोजीशन होती है, आपका सरकार में इन्फ्लुएंशियल लोगों से जान पहचान होती है, तो आपकी वृद्धि होती है। काम में आप देखते हैं कि आपको औरों से ज़्यादा सफलता मिलती चली जाती है, आपको आपके एफर्ट्स काम में जो होते हैं, जो डालते हैं, उसका आपको पूरा फल मिलता है, सहयोग मिलता है, आपको सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से कोई रिकग्निशन, कोई मेडल, कोई उपाधि, आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो हमने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे। व्यक्ति पूछता है ना कि हमने कैसे कर्म किए थे, अच्छे या बुरे कर्म, सेकंड हाउस में बैठे। अब हमको ये भी देखना है सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में ही। हम सेकंड हाउस में कोई नहीं बैठा है, मान लीजिए नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में कोई नहीं बैठा है। अब ऐसी स्थिति में नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, वो मान लीजिए कहीं नीच का होके, रेट्रोग्रेड होके, कम्बस्ट होके, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ कहीं बैठा हुआ है, तो वो आपको आगे से और बताएगा आपके कर्मों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मान लीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड नवमांश में बैठा हुआ है, ट्वेल्थ हाउस में वो बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमने अपने कर्म को लेके, हमने अपने कर्मों को लेके बहुत लॉसेस किए हैं लोगों के, बहुत, ये हमारे एक तरीके से मान के चलिए पर्सनल सिन में आता है। हमने उसमें चोरी भी करी है, चकारी भी करी, खराब काम भी किया है, छुप के काम भी किया है, बैक स्टैबिंग भी करी है, बहुत चीज़ें हमने करी हैं। उसका फल हमको आज अपने कर्मों में देखने को मिल रहा है कि हमारे काम जो कर रहे हैं हमको यश नहीं मिल रहा, अपयश मिलता है, साथ वाले लोग आगे जा रहे हैं, हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो हमको इस तरीके की कई चीज़ देखने को मिलती हैं। आपने कौन सा काम स्पेसिफिकली बुरा किया है, अब आपका नवमांश का सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन से घर में नवमांश में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा है, वो आपको बताता है कि आपने अपने जीवन में कौन सा कर्म खराब किया। और वही मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही वीडियो के, कि मैं बहुत खुल के यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। नवमांश चार्ट में जो थर्ड हाउस होता है, वो होता है आपके पूर्व जन्म का इलेवेंथ हाउस, ग्यारहवां भाव। अब ये होती है हमारी पूर्व जन्म से रिलेटेड इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, ये होता है हमारे जीवन में हमारे बड़े भाइयों का, बड़े संबंधियों का जो हमारा रिश्ता होता है। अब D9 का थर्ड हाउस पास्ट लाइफ के संदर्भ में आपका ग्यारहवां स्थान बन के आता है। अब ग्यारहवां स्थान पूर्व जन्म का ये बताता है कि भाई आपकी इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल किस चीज़ में थी, आपने क्या चीज़ों की प्राप्ति करी है, आप किन चीज़ों के लिए ग्रोथ के लिए, ये किन चीज़ों की ग्रोथ के लिए आप भागते रहे हैं। क्या आप पैसे की ग्रोथ के लिए भागते रहे हैं, धर्म की ग्रोथ के लिए भागते रहे हैं, परिवार की ग्रोथ के लिए भागते रहे हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए भागते रहे हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, नशा, आप किन चीज़ों की ग्रोथ के लिए जीवन में पड़े रहे हैं, आपने किस प्रकार से लोगों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन रखा है। भाई हमको मित्र मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। नवमांश का तीसरा स्थान आपके पूर्व जन्म का इलेवेंथ हाउस है, आप मित्रों के साथ कैसे रहे हैं, आपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार किया है, अपने जो लोग आपसे जुड़े मिले, आपने उनके साथ कपट किया है, शत्रुता करी है, धोखे दिए हैं आपने उनको, कि आप उनके साथ बड़ी सज्जनता से चलें, बड़ी मधुरता से चले हैं, आपने अपने ग्रोथ के पैटर्न को भी धर्मयुक्त रखा है, सही रखा है आपने, ये वो बताता है। नवमांश का थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म का या पास्ट लाइफ का इलेवेंथ हाउस होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमारी कई इच्छाओं को भी दिखाता है। और ये वाला प्लैनेट जो हमारे पूर्व जन्म का, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इलेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, जो कई इच्छाओं से जुड़ा हुआ था हमारी, अब की बार भी लगन चार्ट में, लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा अस्तित्व रखता है, ये मैं आपको बता दूँ। उसी की दशा, अंतर दशा में आप
बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस था पूर्व जन्म का, आपने अपने फायदे के लिए क्या क्या किया था। व्यक्ति कहता है ना कि भाई हमने अपने फायदे के लिए किसी का गला काट दिया, किसी का धोखा दे दिया हमने किसी को, हमने अपने लोगों को ही जो है छल लिया, भाई इस तरीका। इलेवेंथ हाउस देखिए ऑल इन ऑल प्रॉफिट का हाउस है, हमें उससे प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए। अब किसी भी तरीके का हम यहाँ पे साम दंड भेद अपनाएं, लेकिन हमको फायदा यहाँ पे चाहिए। अब नवमांश कुंडली में थर्ड हाउस में अगर हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, शनि मंगल राहु केतु इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इसका मतलब हमने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा जो ग्रोथ पैटर्न था हमने उसमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करी है। अच्छा पैसा आ रहा है, बुरा पैसा आ रहा है, हमारा किस तरीके से भरण पोषण हो रहा है, हम कौन सा धन ले रहे हैं, हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रहण किए ले रहे हैं, अच्छा ये काम भी करना है, हाँ कर लेंगे, अरे इनका यहाँ से पैसा कमाना है गला काट के, अरे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज़ से हमें सिर्फ मतलब था, हमने वो काम करते रहे। वहीं नवमांश में अगर हमारे थर्ड हाउस में, जो कि पूर्व जन्म का इलेवेंथ हाउस था, अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि नहीं, हमने अपने जीवन में शुभ तरीके से काम किया है, जिसको कहा जाता है ना पढ़ा लिखा ज्ञानी समझदारी से संतोषजनक, हमने वहाँ पे काम किया है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने ज्ञान नहीं लिया, वृद्धि नहीं करी, अपॉर्चुनिटीज़ को हमने नहीं साधा, लेकिन कोई गलत तरीके से नहीं, सब पढ़ा लिखा तरीके से, ज्ञान से, समझदारी से, धैर्य से, धर्म से हमने अपने कार्य वहाँ पे पूरे किए हैं। उसका फल भी आपको अब की बार देखने को मिलेगा। जो नवमांश का आप देखेंगे जो थर्ड हाउस है, जो कि आपके पूर्व जन्म का इलेवेंथ हाउस था, फायदे का, प्रॉफिट का, लाभ का घर था, अगर वहाँ पे वो शुभ हुआ तो आपको अब की बार भी देखेंगे अच्छे मित्र प्राप्त होंगे, अच्छे लोग प्राप्त होंगे, जिनके द्वारा आपके काम होते चले जाएंगे, एक से दूसरा मिला, दूसरे से तीसरा मिला, बहुत तरीके के फायदे आपको जीवन में होंगे, एक काम नहीं आप चार काम कर रहे होंगे, आपके मित्रगण बहुत अच्छे होंगे, आपके बड़े भाई का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आप ये देखेंगे। जो प्लैनेट नवमांश कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, शुभ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, तब आप याद रखिए उसकी दशा और अंतर दशा में आप सबसे ज़्यादा काम करेंगे, सबसे ज़्यादा आपको फायदा प्राप्त होगा, सबसे ज़्यादा आप धन की ओर अग्रसर होंगे, इस बात को आप या कई इच्छाएं आपकी उस समय पूरी होंगी। और वहीं पे अगर नवमांश कुंडली में थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा मैलिफिक असर आपके जीवन में पड़ रहा है, आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि कई इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, आप चाह के कोशिश भी कर रहे हैं ना, लेकिन वो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, चाहे वो एक नॉर्मल सी इच्छा हो शादी करने की, शादी की वो तक नहीं पूरी हो रही है, जो कि एक नॉर्मल कोर्स में बड़ी एक सरलता की बात है जिसको कहा जाए, वो तक पूरी हमारी नहीं हो रही है, या कभी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे जीवन में, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे कौन सा तीसरे स्थान में राशि है, कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये आगे और बताते हैं हमको कि हमने कौन सा उसमें अधर्म किया था, कौन सा हमने उस समय गलत काम किया था। थर्ड हाउस का लॉर्ड नवमांश में, थर्ड हाउस का लॉर्ड नवमांश में कहाँ बैठा हुआ है, हमने अपने फायदे के लिए क्या काम किए थे, हमने किसी के लिए कष्ट दिया था, हमने किसी को ठगा था, हमने अपने माता पिता को परेशान किया था, क्या किया था हमने अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, लाभ के लिए हमने क्या किया था, हमको और आगे उन चीज़ों से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप देखिएगा नवमांश के थर्ड हाउस से, नवमांश का थर्ड हाउस ऑल इन ऑल आपके पूर्व जन्म के लाभ से रिलेटेड है, आपने कौन से लाभ लिए थे, अब की बार उसी हिसाब से आपको डिज़ायर से रिलेटेड, लाभ से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड
काफ़ी आपको फ़ायदा होगा या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपको। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अच्छा नवमांश कुंडली में थर्ड हाउस में शनि, मंगल, राहु, केतु ये सब बैठे हैं, तो आज मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आज मैं उस प्रकार से अपनी धन नहीं कमा पा रहा हूँ, या मेरा पैसा डूब रहा है, लोग मुझे चीट कर रहे हैं, मेरा कोई मित्र नहीं है, कई मित्र आके ही मुझे धोखा दिए दे रहे हैं, जो सामने से मित्र लगते थे लेकिन अंदर से वो मेरा नुकसान कर गए, मेरा फ़ायदा उठा गए हैं। आप ये सोचिए, सब आप रिटर्न कर रहे हैं उन चीज़ों को। बड़ा भाई मुझसे विपरीत है, बड़ा भाई मेरे लिए एक दुश्मन जैसा प्रतीत हो रहा है। जो लोग मेरे वेल विशर्स बन के आते हैं वो मुझे धोखा दे के चले जाते हैं, जिन पे मैं विश्वास करता हूँ वो लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। आपको साफ क्लियर, अच्छा नवमांश कुंडली में ये बैठा है, हमारा ही तो किया धरा है ये सब। अब लोग आ रहे हैं, वो सब अपना अपना करते हुए चले जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, किस चीज़ से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, ये दूसरा विषय है। नवमांश कुंडली में आप देखेंगे जो फोर्थ हाउस है वो देखिए रिलेटेड है हमारे पूर्व जन्म के ट्वेल्थ हाउस से, वो हमारा ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड है, जो पूर्व जन्म है उसका बारहवां स्थान है, जो नवमांश कुंडली में चौथा घर होता है, जिसको हम नवमांश का चौथा घर मानते हैं, वो पूर्व जन्म का बारहवां स्थान है। अच्छा ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि, और चीज़ों के साथ साथ मैं पहले बता दूं, ये हमें ये बताता है कौन सी इच्छा लेके आपने प्राण त्यागे थे, करेक्ट वो बताएगा आपको। ये घर कि वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अब माता को लेके, अच्छा उसमें मैं आपको एक और क्लू दे रहा हूँ, चंद्रमा आपकी पत्रिका में मान लीजिए अब की बार पंचम स्थान का स्वामी बना है लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, यानी कि पूर्व जन्म के बारहवें स्थान में ये चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप जब पूर्व जन्म में गए थे इस जीवन से, तो किसी शायद रिलेशनशिप, किसी मंत्र, किसी संतान की आस, कोई आपके जीवन की ऊंची पोजीशन, इच्छा, ऐसी चीज़ को लेके, या माताजी, क्योंकि चंद्रमा माताजी का संदर्भ शो करता है, शांति शो करता है, पीस शो करता है, ये सारी चीज़ें शो करता है, तो इन सारी चीज़ों को लेके आप गए थे। अब चंद्रमा जिस स्थिति में बैठा होगा, मालूम पड़ा वो नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, चंद्रमा और राहु चौथे में बैठे हुए हैं। अब आप ये कहें कि हमारा जब पूर्व जन्म में जब हमारा स्वर्गवास हुआ तो हमारी इच्छा चंद्रमा के साथ तो जुड़ गई, अब साथ में राहु बैठा हुआ है तो हम क्लियरली समझ गए कि हाँ हमारे जीवन में कई प्रकार की टेंशन्स थी, परेशानियाँ थी, कमियाँ थी, डर थे, भय थे, कई प्रकार के कष्ट थे जब हम गए यहाँ से लेके। तो ये चंद्रमा हमको बता देगा कि फोर्थ हाउस में, अगर नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, वो आपको बताता है कि जब पूर्व जन्म में आपका स्वर्गवास हुआ था तब आप क्या सोच लेके आपकी मृत्यु हुई थी, आप कैसे इस संसार को आपने त्यागा था। वो प्लैनेट जो नवमांश कुंडली में फोर्थ में बैठा हुआ है, जो कि पूर्व जन्म का बारहवां स्थान था, वो आपको बताएगा कि आपकी मृत्यु के समय क्या पोजीशन थी, क्या सोच के गए, किन यादों को लेके गए, क्या इच्छाएं थी आपकी, वो बताएगा। और वो वाला प्लैनेट अब की बार देखेंगे आप अपने लगन चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा वो प्लैनेट, ये याद रखिए। चाहे वो आपके फादर से रिलेटेड हो, मदर से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, कोई चीज़ आप कहेंगे अरे ये तो मेरी प्रबल इच्छा थी, सही बात है फोर्थ हाउस में ये बैठा हुआ है, ये प्रबल इच्छा थी। कई बार फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, हम आज के समय में हम जानेंगे, आज के जन्म में लग्न कुंडली में हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा सारा जो अब की बार का जीवन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, त्याग, डिटैचमेंट, कष्ट से चीज़ों को छूटना,
लोगों का चले जाना, विरक्त होना, हमें अलग होना, पुश किए जाना कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं बन रहे, हम अकेले रह रहे हैं, दुख मिलना जिससे कि हम चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें छूट रही हैं। ऑटोमेटिक हमको वो पता है ना कि पूर्व जन्म में हम ये कह के गए थे कि भैया अगले जन्म में चाहे कुछ भी हो, हमें विरक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो हमको बीवी, बच्चा, पिता, मामा, चाचा, ताऊ, काम, पैसा, नौकरी, इन चीज़ों से अलग रखिएगा। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण वही कर रहे हैं, आपको अलग रख रहे हैं, क्योंकि वो अब साधन बनाएंगे ना आपके लिए। जब चीज़ों को अलग करेंगे तभी तो आप उस तरफ बढ़ेंगे, उनकी तरफ। तो वो काम हो रहा है तो अब की बार रोना क्यों, अब की, क्योंकि आपके पूर्व जन्म की यही इच्छा आप लेके गए थे। अब वहाँ जो प्लैनेट बैठा होगा, वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, मान लीजिए नवमांश कुंडली में चौथे स्थान पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, गुरु जिसको कहा जाए कि हम एज अ गुरु काम करें, एज अ टीचर काम करें, एज अ मेंटर काम करें, लोगों को ज्ञान दें, सीख दें, समझाएं, ये हमारे इंटरनल इच्छा लेके हम यहाँ पे गए थे। तो आज हम वही इच्छा लेके फिर से पैदा हुए हैं। तो अब हमारे चार्ट में देखेंगे हम कि चाहे हमारे लगन का लॉर्ड वो नहीं है, चाहे वो हमारा आत्मा कारक नहीं है, कई बार तो ऐसा प्लैनेट अवश्य आपका मेन प्लैनेट बनेगा, आत्मा कारक बन जाएगा, लगन का लॉर्ड अप की बार बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके जीवन का वो बन जाएगा, लगन में बैठा हुआ है, आत्मा कारक के साथ बैठा हुआ है ऐसा प्लैनेट। तो ये आपके पूर्व जन्म की, जब आप जा रहे थे, आपने इस संसार को छोड़ा था तो उस समय क्या स्थिति थी, उस चीज़ को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, मान लीजिए नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस में मंगल, शनि, केतु, ऐसे सब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में हम जब यहाँ से गए थे, हमारा जब स्वर्गवास हुआ था, हमने देह छोड़ी थी अपनी, तब हमने जीवन में एक तो बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी, बड़ा कष्ट हमको हुआ था, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट्स इतने बैठे हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हम बड़ी प्रताड़ित होकर हमने अपने जीवन में देह को छोड़ा था। अच्छा, ये भी वो बताता है कि आपने कौन कौन से लॉसेस अपने जीवन में किए थे, वो प्लैनेट्स और बताएंगे आपको। जो नवमांश कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, वो आपके पूर्व जन्म का 12वां स्थान था, तो वो ये बताता है कि आपने अपने जीवन में किस प्रकार का टेम्परमेंट रखा था, भाई आप लोगों को क्या देते थे या खुद क्या इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से, हम लोग जनरली ट्वेल्थ हाउस से ये देखते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन में क्या देते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या त्यागते हैं, क्या छोड़ देते हैं, हमारा आनंद किस तरफ है, प्रभु की तरफ है या जीवन में जितनी अनर्गल चीज़ें हैं, शराब, नशा, लड़की, ये तू मैं, गंदगी जो करते हैं लोग, या हमारा उनकी तरफ है, या हमारा पाथ जो है वो धर्म की तरफ था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, ज्ञान की तरफ था, टीचर की तरफ था, लोगों को सलाह देने के लिए था, लोगों का उत्थान करने के लिए था, लोगों की हम मदद करते थे, लोगों का सहारा देते थे, किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, कभी पेट के लिए काम कर रहे हैं, कोई जो घर से बेघर थे हम उनके लिए काम करते थे, यहाँ सब इंडिकेशन मिलेगी। और उसका आप देखेंगे गूंज अब की बार भी आपको पता चलेगी। जो वो प्लैनेट है वो आपको बहुत नज़दीक से बताएगा कि क्यों आपको पेट से इतना प्रेम है, क्यों आप वृद्ध आश्रम के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्यों आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, आप उन बच्चों के लिए क्यों करना चाहते हैं, क्यों कोई आप सोसाइटी या सोशल ऐसे काम करना चाहते हैं, क्यों आप समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, क्यों आप इतने ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति जो है अपना आपको लगाव है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपने क्या दिया था, क्या छोड़ा था यहाँ पे, उस समय वो आपको बताता है ना। शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, आपके जाने से हजारों लोगों को क्षति हुई, हजारों लोग रो रहे थे, आपको याद कर रहे थे, आपकी अच्छाइयों को, धर्म को, ज्ञान को, समझदारी को, आपके नेक कामों को, जितने शुभ काम थे उन सबको वो याद करके रोए हैं, वो ये बताता है। वहीं पे जो मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे वो अलग आपको बताएंगे। ऐसी स्थिति में नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है, वो ये बताता है आपने जीवन में कई प्रकार के लॉसेस अपने जीवन में किए हैं,
कई प्रकार के, वो लॉसेस कौन से आपने किए हैं वो दूसरी बात है, वो और चार्ट को एनालाइज करने में पता चलेगा कि भाई अगर वहाँ शनि बैठा हुआ है तो आपने कौन से प्रकार का लॉस किया है वहाँ पे। नवमांश कुंडली में शनि की पोजीशन पास्ट लाइफ के चार्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो बैठा हुआ है, आपने पिताजी का लॉस किया था, माताजी का लॉस किया था, कर्म से रिलेटेड लॉस किया था, संतान से रिलेटेड आपने कोई लॉस किया है, यहाँ सब पता चलता है। हमने कोई एबॉर्शन करवाया, हमने कुछ करवाया, यहाँ से सब पता चल जाएगा। देखिए आपने क्या लॉस किया है वहाँ पे, वहाँ मंगल बैठा है, आपने उग्र काम किया है, किसी की हत्या तक करवा दी है, हत्या आपके हाथ से हो गई है, कोई ऐसा काम हुआ है, वो ये सब चीज़ें बताएगा क्योंकि प्लैनेट उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें बताता है। शनि बैठे हुए हैं, जैसे आपने अत्यंत दुख प्रदान किए हैं आपने लोगों को, वो लॉस आपने लोगों का किया है। किसके क्या किया है भाई, हमने अपने पूर्व जन्म में क्या लॉस किया था, हमने दुख बहुत पहुंचाए थे लोगों को। कौन है वहाँ पे, वो आपको पास्ट लाइफ का चार्ट और डिटेल में जाके बताएगा, जिसके लिए मैंने पहले कह दिया कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ नहीं दूंगा। हाँ, अब की बार आप देखेंगे, इसीलिए आपके जीवन में निद्रा परेशान ये आपको बहुत नहीं आएगी। आप देखेंगे कि अब की बार आपको इंसोम्निया से आप पीड़ित रहते हैं, हमेशा चिंतित, हमेशा सोच लगी रहती है। लॉसेस आपके जीवन का बने हुए हैं एक अंग, आपके जीवन में हर प्रकार का लॉस आपने जीवन में देखा है। आप जीवन में कहता है ना व्यक्ति कि भैया कौन सा ऐसा कष्ट है जो हमने नहीं देखा है, वो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताता है। अब की बार जो नवमांश कुंडली में फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, और अगर वो विपरीत स्थितियों में बैठा है, जैसे मैंने अभी आपको वर्णन किया है, अब जब उसकी दशा और अंतरदशा आपके चार्ट में अब की बार आएगी तो उसके हिसाब से लॉस और प्रॉफिट्स होंगे। शुभ प्लैनेट्स बैठे थे, आपने शुभ काम किए थे, आप देखेंगे उनकी दशा में भाग्य खुल गए, हर काम आपके जीवन में हो गया। आप कहेंगे अरे हमारे कौन से काम ऐसे लौट के चले आए भैया, कि हम गलत काम भी हुआ वो सीधा पड़ गया, हमने कहीं हमारा पैसा चला गया लौट आया, हमने कहीं बिजनेस में ये कर दिया लौट आया, हमने नौकरी छोड़ दी लेकिन हम पुरानी जगह पे लौट गए, हमको फिर से ले लिया गया। आप देखेंगे इस तरीके के इंस्टांस बहुत हो रहे हैं, कोई ना कहीं से आपको प्रभु मदद कर रहे हैं उन चीज़ों में, आपको पूर्व जन्म के आपके खुद के स्वयं जो आप चीज़ दे के गए थे आज आपको मिल रही थी। बारहवां स्थान होता है कि भैया हमको स्कूटर चाहिए, आपने कहा पूर्व जन्म में किसी से, हाँ भैया ले लो स्कूटर का क्या है, ले लो अपना जाओ मज़े से आनंद से, भैया हमें साइकिल चाहिए बहुत परेशानी होती है, भैया ले लो तुम अपना सरल कर लो, आपने दे दिया। आज आप देखेंगे मोटर गाड़ी घोड़ा बंगला प्रभु के कृपा से सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये आप ही के कर्म थे जो आज आपके पास लौट के आए हैं। वॉट यू गिव दैट यू गेट। चौथा स्थान नवमांश कुंडली में ये बताता है कि आप जो पूर्व जन्म है आपने क्या लॉसेस किए थे, या आपने किसी को क्या दिया था, मृत्यु के समय आपकी क्या सोच थी, मृत्यु के समय आपके पास वहाँ कौन से लोग थे, क्या था वो आपको बताता है। और जो प्लैनेट्स वहाँ बैठे होंगे अब की बार आप देखेंगे, वो शुभ प्लैनेट अगर हैं तो उनकी दशा और अंतरदशा में आपको बाहर से दुनिया से कहीं ना कहीं से लोग आके आपको फ़ायदा करा जाएंगे। अरे हम बैठे हुए थे, फलाना आदमी कोई डीलरशिप दे गया, अरे बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बारे न्यारे हो गए हमारे तो, फलाना आदमी आके हमको कहीं ले गया नौकरी करने के लिए, हमारा तो जीवन बन गया भैया, हमें पता ही नहीं था हम इस चीज़ के लिए भी हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, ये सारी चीज़ें देखिए बताता है। अब नवमांश कुंडली का मान लीजिए जो फिफ्थ हाउस है आपके चार्ट में, वो होता है हमारे पूर्व जन्म का लगन, यानी कि आप कैसे थे, आपकी क्या पर्सनालिटी थी, आपका क्या नाम यश क्या था, आप किस प्रकार के थे, आपको स्वयं को जानना है, खुद को जानना है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। आप नवमांश कुंडली के फिफ्थ हाउस को देखिए, ये थे आप कह सकते हैं। मान लीजिए वहाँ बैठा हुआ है शुक्र बैठे हुए हैं, और आप को मैं एक बात बताऊं, आप स्वयं अब की बार भी जीवन में पाएंगे कि आपको
सारा खूबसूरती इन्जॉय, ये आपका शादी मैरिज प्लेजर्स आनंद कपड़े ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ब्यूटी आपको पसंद होगी शुक्र, क्योंकि उन चीज़ों से रिलेटेड है। अब पूर्व जन्म में वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और वो यानी कि स्वयं आप होते हैं फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस में वो शुक्र बैठा हुआ है और अगर वो सुंदर राशि में है शुभ राशि में, इसका मतलब आपने स्त्रियों की इज्जत करी थी, आपने हर काम जिसको कहते हैं ना भोगों पे नियंत्रण रख के काम किया था, घर परिवार वालों के साथ बड़ा अच्छे से चले थे, आपने अपने आप को बड़ा अच्छी तरीके से कंडक्ट किया था, उज्ज्वल जीवन जिसको कहा जाता है ना श्वेत जीवन, उस प्रकार का आपने जीवन जिया था, हर प्रकार का लाभ आपको मिला था, धन समृद्धि घर घोड़ा गाड़ी सब कुछ आपको प्राप्त थी, और आपका फिर नेचर भी उसी की तरीके का था, शुक्र की तरह एक जिसको कहा जाता है ना प्लेजर सीकर आनंद लेने वाला, एक डिविनिटी की तरफ जाने वाला, हमेशा जो कहते हैं ना सच्चा प्रेम शुद्ध प्रेम, लोगों से प्रेम करने वाला, लोगों से स्नेह करने वाला, लोगों का साथ देने वाला, इस प्रकार का वो व्यक्ति था, वो ये बताता है। और आप कहेंगे अरे ये वाले गुण तो मेरे अंदर आज भी हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो आप ये खुद सिमिलैरिटी आपको पा लेंगे। मान लीजिए नवमांश कुंडली में आपके यहाँ बैठा हुआ है पंचम में मंगल, और अगर वो अपनी राशि का बैठा हुआ है तो आज भी आप पाएंगे, आप आपका लगन चाहे मंगल का हो या ना हो, लेकिन आप पाएंगे स्वयं को कि मंगल वाले गुण भैया हमारे अंदर हैं, चाहे वो टेक्निकल गुण हो, योगा हो, लड़ाई झगड़ा हो, वो एग्रेसिवनेस है, वो एक जीतने की ललक हो, आगे बढ़ के कुछ काम करने की, एक जिसको कहते हैं ना जो मंगल का एक होता है, एक जिसको कहा जाता है उसको हनक कह लीजिए, उसका एक पावर कह लीजिए, करेज कह लीजिए, ब्रेवरी कह लीजिए, कभी ना हारने वाला एटीट्यूड कह लीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति थे, शुभ राशि में बैठा हुआ है, आप अब जीवन में लोगों को सपोर्ट करते थे, लोगों का साथ देते थे, आगे बढ़ के काम करते थे, करेजियस थे, ब्रेव थे, आप इस तरीके से उसको देखिए। आज देखेंगे, आज स्वयं आप खुद को देखेंगे, आप उन गुणों से खुद को आप कहेंगे कि हाँ भाई ये गुण हमारे अंदर आज भी हैं, आज भी जो हैं वो परिलक्षित हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमको सामने, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं इस तरीके की, हाँ भाई हमारे अंदर आगे बढ़ने की तेजी की समय हर चीज़ की, कभी ना थकने की, टायर सा बिना थके हुए काम कर रहे हैं, मंगल की दशा हमको बहुत ऊपर लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, हमको ये सारी चीज़ें भी पता चल रही हैं, तो हमको हमारी पर्सनैलिटी पता चल रही है, हम कौन थे, हम कहाँ थे, हम कहाँ थे का मतलब हमारा क्या काम था, हम कैसे व्यक्ति थे, हम क्या करते थे, हमको पता चल रहा है नवमांश के फिफ्थ हाउस से, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म का लगन था, यानी कि आप स्वयं थे। अब वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट बैठा है, वक्री है, कंबस्ट है, नीच है, नवमांश में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पता चला खराब घर में बैठा हुआ है, वहाँ पे किसी मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ खराब स्थिति में नीच का होके बैठा हुआ है, हम बता सकते हैं कि अच्छा भैया हमारी पत्रिका में मंगल पंचम स्थान का स्वामी है, नवमांश कुंडली में मंगल पंचम स्थान का स्वामी है, और वो वक्री होके आठवें में बारहवें स्थान में नवमांश कुंडली में मान लीजिए पड़ा हुआ है। अब हमको पता चल गया कि भैया पूर्व जन्म में या पास्ट लाइफ में हम बात करें तो अब हम ये बात करें कि कई प्रकार से हम गुस्सा क्रोध आताताई किसी भी प्रकार का, वो कौन सी राशि में वहाँ पे बैठा हुआ है, वो ज़्यादा एग्रेसिव था या पैसे के लिए बहुत ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा पैसे के लिए लोगों को प्रताड़ित करते थे या हम बातों से करते थे या हम इमोशनली लोगों को बहुत डिस्टर्ब करते थे या हमारे में ईगो बहुत हाई थी, सारी चीज़ें बताता है ना, या हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते थे या हमने मैरिज में रिलेशनशिप में कुछ गलती करी है। नवमांश कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी मंगल जो है वो नवमांश कुंडली में तुला राशि में बैठ के ही वक्री है मान लीजिए, और वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है नवमांश कुंडली में, यानी कि वो आप हैं पर्सन, क्योंकि पूर्व जन्म का जो फर्स्ट हाउस होता है वो होता है पंचम स्थान,
तो हमने रिलेशनशिप में, मैरिज में काफ़ी आफत करी थी भैया, उसके लिए हमको आज खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अब ये आप ये समझ सकते हैं, अब आपको पता चल गया इस वीडियो से कि अच्छा मैं स्वयं कैसा था। एक्चुअलिटी में आप इसको देखेंगे कि अच्छा ये वाले मैंने काम किए थे इसलिए आज मुझे शादी में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, माता पिता के साथ प्रॉब्लम है, धन से प्रॉब्लम है। मैं किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति था, मैं बहुत ज़्यादा ही लेजी व्यक्ति था, मैं बहुत ज़्यादा धांधली करता था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर शासन किया करता था, क्रोध किया करता था, लड़ाई किया करता था, मारा पिटाई किया करता था। ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। नवमास कुंडली में फिफ्थ हाउस में जो भी बैठे हुए हैं प्लैनेट्स, वहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट्स अगर बैठे होंगे और पता चल जाएगा कि भैया और कौन कौन से गलत काम आपने किए हैं वहाँ पे। नवमास कुंडली में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अपनी राशि का प्लैनेट बैठा है, वो बताएगा आपने बड़ी अच्छा जीवन आपने जिया है, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा चले हैं। आज उसका फल लगन के रूप में, लगन कुंडली के रूप में, आज लगन के फर्स्ट हाउस के रूप में आपको मिलेगा। आप आज के समय में कुछ और कारणों की वजह से चाहे कई बार डाउन नीचे गिर जाएं, लेकिन अंततः आप देखेंगे भैया हम संभल गए। हम तो उस तरीके के जीवन में थे कि हमको होश नहीं थी कि हम बचेंगे या करेंगे, हम सीधे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं गोपाल की, राधा रानी की क्या कृपा हुई कि हमारा जीवन पलट गया। हम पहले ऐसे थे, आज हम बिल्कुल बदल गए भाई। हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। हम बड़े ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, पढ़ाई लिखाई में उत्तम हो गए, माता पिता की बात समझने लगे, धर्म को जानने लगे। पहले तो हम बिल्कुल यमदूत थे, हमें कुछ होश ही नहीं थी कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। आपको ये पता चल जाएगा। आपका अब की बार देखेंगे कि आपका जो लगन चार्ट है, और लगन चार्ट में जो आपका लगन लॉर्ड है आपको बहुत मदद करेगा। आज अगर वो खराब स्थिति में भी बैठा होगा ना, वो आपको मदद करेगा, ये मैं आपको बात बता दूं। फिर भी आपको वो ऊंचा लेके जाएगा, क्योंकि नवमास कुंडली में फिफ्थ हाउस में अगर वहीं का लॉर्ड बैठा हुआ है, इसका मतलब वो पूर्व जन्म में आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड भरपूर आपने सहयोग किया था और बहुत अच्छे रहे थे। आज वही प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में जो भी प्लैनेट बन के आ रहा है, पता चला फोर्थ हाउस का, तो पता चला आपको अपने घर से सब कुछ प्राप्त है, माताजी, प्रॉपर्टी सब कुछ है, राजघराने में आप हैं। आप ऐसा हो सकता है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बन के आया, पढ़ाई लिखाई, पिता अपना खुद का भाग्य बना रहे हैं, विदेश चले गए, वो इन चीज़ों में फ़ायदा आपको दे देगा प्लैनेट, लेकिन वो प्लैनेट फ़ायदा देगा ज़रूर आपको। और वहीं पे अगर वहाँ कोई बैठा हुआ मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, नवमांश में पंचम स्थान का स्वामी जो कि पूर्व जन्म की का लगन था, यानी कि आप थे, आप कौन थे पूर्व जन्म में, क्या थे, वो आपका फिफ्थ हाउस बताएगा। नवमांश कुंडली का लगन है, नवमांश कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस होता है वो होता है हमारे पूर्व जन्म का सेकेंड हाउस, यानी कि हमारे पूर्व जन्म में फैमिली का, हमारे पूर्व जन्म में हमारे अपने बोलने चालने का, हमारे पूर्व जन्म में इकट्ठा करी गई नॉलेज का, हमारे संस्कारों का, हमारे कुल का, हमारी, क्योंकि सेकंड हाउस जो है कुल से, बिरादरी से, हमारी शिक्षाओं से सबसे रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को। तो अब हम समझ सकते हैं हमारे पास धन को, अंबार को, हमारे रिसोर्सेज को, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो नवमांश कुंडली का जो ये छठा स्थान होता है, ये हमारे पूर्व जन्म का, पिछले जन्म की फैमिली है। अब हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में छठे स्थान में, क्यों कहा जाता है प्लैनेट बैठना अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह ये है, वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में फैमिली से रिलेटेड सही कार्य नहीं किया गया है। फैमिली में किसी ना किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई पितृ दोष, कोई कुल में खराब काम हुआ है, आपके द्वारा खराब काम हुआ है, भाषा गलत,
चीज़ों का खाना पीना गलत आदमी कहता है ना कि हमको जो मिला वो हम समेट रहे हैं, जो मिला हम अपने मुंह में डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत थी। अनर्गल बोलना था, झूठ चपेट गाली क्रोध, लोगों को सीधे मुंह बात नहीं करना था। वहाँ प्लैनेट बैठा हुआ बता रहा नवमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली में छठे में केतु मंगल ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, साफ बता रहा है कि आपकी भाषा क्या थी, आप क्या बोलते थे, कितने एग्रेसिव थे, लोगों को काटते थे, लोगों को चोट लगती थी आपके बोलने से ही, आपके परिवार में छिन्न भिन्नता थी, उसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। तो आज आप उन सारी चीज़ों का असर अब की बार देखेंगे, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाइल्डहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेविंग्स ज़ीरो, घर में कोई ना कोई प्रकार की परेशानी आप देखेंगे चलती रहेगी। कोई बीमार है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ, किसी चाचा के साथ कुछ ना कुछ हो गया और एक्यूट हो गया। ये नहीं कि भाई सभी के साथ होता है ये, तो लेकिन एक्यूट बात जिसको कहें ना, हमारी बहन की शादी नहीं हुई, बहन की शादी हुई तुरंत टूट गई, बच्चे नहीं हुए, भाई की शादी नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्यूट। हमारे घर में किसी की एक्सपायर हो गया, कोई जल्दी चला गया, बिफोर एज जा रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हम देखेंगे नवमांश कुंडली का सिक्स्थ हाउस, हमको पता चल जाएगा अच्छा फैमिली के साथ हमने ये कुकर्म किए थे, ये हमने गलती करी थी, इसलिए आज हमको ना फैमिली का सपोर्ट है ना फैमिली है, फैमिली है तो उसमें छिन्न भिन्नता है, लड़ाई झगड़े हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, धन नहीं है, यूं आप कह सकते हैं। आज भी आप देखेंगे खाने पीने का कोई भी वो नहीं है, हम कभी भी कुछ खा रहे हैं, कभी भी कुछ बोल रहे हैं, हमारे घर में कोई नियम उन चीज़ों से लागू नहीं हो रहा है, हमारे घर की एक पहचान नहीं है। कहते ना कि भाई इनकी फैमिली की क्या पहचान है, गुड पहचान नहीं है, वो बताता है कि ये एक खराब पहचान के लिए जाने जाते हैं। भाई इनके घर में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, शराब, ये कुछ ना कुछ भैया इनके वहाँ बंधन है, ये हमको शो करता है पूर्व जन्म से रिलेटेड सिक्स्थ हाउस, जो कि नवमांश का जो सिक्स्थ हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म की फैमिली है। ये आप याद रखिए, अब वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपनी ही राशि का प्लैनेट बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है जो मान लीजिए मित्र राशि का, मान लीजिए बृहस्पति बैठे हैं धनु राशि के, आप समझ सकते हैं फैमिली कैसी रही होगी, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा होगा, आप कैसे रहे होंगे, आपका क्या खान पीन, फैमिली के प्रति कर्तव्य रहा होगा। कोई भी प्लैनेट अपनी राशि का उच्च का होके छठे में बैठा है, आप बहुत अच्छा से आपने फैमिली को सपोर्ट किया, फैमिली के साथ रहें, आज उसका भरपूर फल आपको मिलेगा। अच्छी फैमिली, अच्छा सपोर्ट, घर परिवार बढ़ता चला जाएगा, वृद्धि हो रही है, अदरवाइज परिवार छोटा होता चला जा रहा है। पता चला आज परिवार में 10 लोग थे, आज हमारे 6 रह गए, कल 4 हो रहे हैं, तो परिवार आप देखेंगे सैचुरेट होता चला जाएगा। वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, छठे स्थान का नवमांश में छठे स्थान का स्वामी मान लीजिए 11th हाउस में चला गया, यानी कि जो आपका फैमिली का घर था, जैसे मान लीजिए वो आपके जो फैमिली का घर था नवमांश में, जो छठा स्थान होता है वो फैमिली का घर होता है, आपकी ये फैमिली थी, ये परिवार था, ये वो अगर 11th में चला जाता है तो ये बताता है कि आपने अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ किया था, आज वो आपको बहुत कुछ सपोर्ट करेंगे, आप स्वयं देख लेंगे उन चीज़ों से, रिसोर्सेज पे ही आप जिंदा रहेंगे, घर परिवार से ही सब कुछ प्राप्त तो हो रहा है, या एजुकेशन या शिक्षा या ज्ञान या संस्कार आपको अपने घर से प्राप्त तो हो रहे हैं, उससे आप अपनी वृद्धि करते चले जाएंगे, हमें यहाँ से ये पता चलता है। नवमांश कुंडली का जो 7th हाउस होता है वो हमारे पूर्व जन्म का 3rd हाउस होता है। अब ये हमारे पराक्रम को दिखाता है, हमने कौन सा पराक्रम दिखाया था भैया अपने जीवन में, नवमांश कुंडली का 7th हाउस हमारे पराक्रम का घर था, हमारी इच्छाओं का घर था, हमारे भाई बहनों का घर था, हम किस तरीके से चीज़ों को करते थे, हमारी क्या सोच थी किसी भी बात को लेके, हम क्या सोचते थे, माता पिता की बात होती थी तो हम क्या सोचते थे कि नहीं माता पिता का
सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करनी चाहिए। अरे छोड़ो माता पिता कौन है, इनके सब कौन देखे, इन लोगों के तो रोज़ के ड्रामे हैं, रोज़ का ये है, इन लोगों का कौन इनकी ये करे। हमारे भाई बहन थे, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, हमारे अपना क्रियाकलाप खुद के कैसे थे। आदमी की सोच होती है ना एक, कि हमारी सोच अच्छी की तरफ थी या बुरी की तरफ। नवमांश कुंडली का सेवेंथ हाउस आपके पूर्व जन्म का थर्ड हाउस था। ये वो घर है जिसने आपको मौका दिया था कि तुम अच्छे बन जाओ या बुरे बन जाओ, अब ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे अब की बार हमारी लगन कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है, लगन में थर्ड हाउस होता है, वो हमको फ्री विल देता है कि अरे देखो भैया तुमको अब जैसा बनना है बन जाओ, प्रभु ने चार्ट तो दे दिया है। थर्ड हाउस हमको बता रहा है कि अब तुम राजा बनोगे या रंक बनोगे, साधु बनोगे या दैत्य बनोगे, वो हमें आज भी बताता है। तो नवमांश कुंडली का जो सेवेंथ हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म का थर्ड हाउस था। हमने किस प्रकार का अपने जीवन में कार्यक्रम किए, हमने क्या हमने पावर यूज़ करी है, अपने हमने अपने पराक्रम को करेज को कहाँ यूज़ किया है। वहाँ शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, हम जानते हैं हमने अपने पराक्रम को शुभ कर्मों में यूज़ किया। बुद्ध बैठा है, मान लीजिए नवमांश में सातवें स्थान में बुद्ध बैठा है, मित्र राशि का, अपनी राशि का, बढ़िया, उसके ऊपर कोई मैलिफिक असर नहीं पड़ रहा है, कोई राहु केतु शनि मंगल उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे साफ बताता है आपने जीवन में वृद्धि करी है, व्यापार किया है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, इन्फॉर्मेशन लिया है, आपने यही लोगों को बांटा है, हर तरीके से ये आपका पराक्रम था। आपका क्या पराक्रम था? ज्ञान अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, लिखाई अच्छी थी, नॉलेज अच्छी थी, बोलचाल अच्छी थी, कम्युनिकेशन अच्छी थी। आज भी आप देखेंगे कि वो सब आपको आज भी मिली हुई है। आप कहेंगे हाँ भाई हम बोलने चालने में आज भी बढ़िया, हमारी राइटिंग अच्छी है, बोलना अच्छा, हम कविता लिख लेते हैं, भजन लिख लेते हैं, लोगों से किसी प्रकार की बात करनी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। तो ये आपका पराक्रम रहा, पिछले बार आपने लोगों के साथ जो बोला वो सही तरीके से बोला। देखिए बुद्ध जो है वो हमारी मति को भी दिखाता है, ये नहीं कि बुद्ध जो है हमारे जीवन में सिर्फ खराब ही नॉलेज प्रदान करता, भाई बुद्ध ही तो है जो आपको रामायण पढ़ने की ओर ले जाएगा, और बुद्ध ही तो है कि आपको कोई गलत चीज़ भी हाथ में पकड़ा देगा कि ये पढ़ लो यार, ठीक है ये भी एक चीज़ है, इसको भी पढ़ लो। तो हम बुद्ध हमको देखिए हर प्रकार का वो इंसाइक्लोपीडिया है, उसको आपको पढ़ाना है, लिखाना है, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, यूट्यूब फलाना ट्यूब, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, आप नॉलेज ले रहे हैं, कौन सी नॉलेज ले रहे हैं दैट इज डिफरेंट। तो बुद्ध आपको अच्छी नॉलेज प्रदान यहाँ कर रहा है। हाँ खराब राशियों में बैठा हो, खराब प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, तो वो बताता है कि आपका नॉलेज ज्ञान लेना तो था, खराब ज्ञान ले रहे थे, उल्टा सीधा ज्ञान ले रहे थे, उल्टा सीधा ज्ञान में पड़े हुए थे, उसकी वजह से आज भी आप देखेंगे कई बार आपको व्यापार में आपके बोलने के कारण, लिखने के कारण, टॉकेटिव नेचर के कारण आप कई बार अपने आप को संकट में या परेशानी में डाल लेते हैं। ये तो रही खैर एक प्लैनेट की छोटी सी बात जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई आप क्या पराक्रम दिखाते थे। वहीं पर नवमांश कुंडली में सातवें स्थान में मंगल केतु शनि राहु जैसे प्लैनेट बैठे हों, शत्रु राशियों में, विपरीत राशियों में बैठे हों, तो आपका पूर्व जन्म का ये हो गया थर्ड हाउस। तो ये बताता है कि भाई आपने अपने जीवन में मित्रों से, अपने भाई बहनों से, आप जिनसे लोगों से मिले हैं, आपने उनके साथ बड़े एक तरीके से जिसको कहा जाए ना टफ हैंड से उनके साथ बिहेव किया है। आपने जैसे कहते हैं ना कि नहीं ये तो मेरा ही घर है, ये तो मैं ही लूँगा, ये तो मेरी ही चीज़ है, आपने उसके ऊपर इस प्रकार से स्वामित्व जो है वो जमाया है, आपने अपने हक जमाए हैं, अब उसके लिए कोई दूसरे दुखी हुआ है, दूसरा परेशान हुआ है, दूसरा कष्ट में आपको हुआ, तो आज आप देखेंगे कि आज आपके नवमांश कुंडली में सेवेंथ हाउस में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनकी दशा अंतर दशा में आपको प्रॉब्लम्स होंगी उन चीज़ों से लेके। ये भी शो करता है आज आपके एफर्ट्स काम नहीं आते हैं, आप कोशिश करते हैं हर काम में फेलियर हो रहा है, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे एफर्ट्स है ना, हमारे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो नवमांश कुंडली का सातवां हाउस कौन सा मैंने आपको बताया, पूर्व जन्म का एफर्ट का घर, आप क्या एफर्ट डालते थे, क्या पराक्रम डालते थे। आज आप देखेंगे
कोई एफर्ट आपके सीधे होते ही नहीं, सब फेल, ये काम कर रहे हैं फेल, वो पढ़ाई फेल, शादी फेल, रिलेशन फेल, सब फेल चल रहा है। जो काम करने के लिए हम जाते हैं गड़बड़, कोई काम कर ही नहीं पा रहे, कोई काम का साधन ही नहीं मिल रहा। आज वो वाली हाथ है, आदमी कहता है कोई काम कह रहा है हमको कि भैया हाथ ही मत लगाओ, प्लीज़ डू नॉट टच मी, कोई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो हमको ये चीज़ देखने को मिल रही। आप ये मत सोचिए कि अरे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बेचारगी आप शो कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं जी आज के जन्म में। पूर्व जन्म में आपने अपने हाथों से क्या कर्म किया है? सातवें स्थान में मंगल बैठा है, पता चला पूर्व जन्म में अपने हाथों से लोगों को झपड़िया रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे इसका बैठने का भी मतलब है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा आप झकझोर दिए हैं उस मंगल की वजह से कि आज आपको उस चीज़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आपके बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम है, वो आपसे दूर हो गए, एफर्ट काम नहीं आ रहे हैं आपके जीवन में। दोस्त मित्र यार जो मिले वो सब बेकार मिले, शुरुआत की लाइफ में ही आपने अपने आप को तबाह कर लिया। आप ऐसी स्थिति में देखेंगे, शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो आपने शुभ कर्म किए थे अपने हाथों से, उसका भरपूर फल अब की बार आपको भी मिलेगा। आपके हर एफर्ट पूरे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे, साथ अच्छा मिलेगा, आपकी मति अच्छी रहेगी, आप स्वयं इंडिविजुअल रूप से खड़े हो पाएंगे। जो काम आप इंडिविजुअल रूप से करना चाहेंगे आप खड़ा कर लेंगे, एक एम्पायर खड़ा कर लेंगे। और वहीं पर नवमांस में सेवेंथ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, आप इंडिविजुअली खड़े होने जाएंगे तो कई बार धड़ाम से गिर जाएंगे आप, यहाँ वो ये चीज़ शो करता है। नवमांस कुंडली का एट्थ हाउस क्या बनता है? आपके पूर्व जन्म का फोर्थ हाउस, ये आपका चौथा स्थान है। नवमांस कुंडली का एट्थ हाउस आपके पूर्व जन्म का चौथा स्थान है, आपके सुख का, शांति का, पीस का, माता का, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है। इसीलिए आज के संदर्भ में अगर हम नवमांस कुंडली देखते हैं तो इसको सबसे मेलिफिक घर कहा जाता है, सबसे मेलिफिक। पूरे अगर हम लोग लगन कुंडली और नवमांस कुंडली की बात करते हैं कि लगन कुंडली में और नवमांस कुंडली में, इन दोनों कुंडली में पंडित जी सबसे टफ घर कौन सा है, सबसे बैड, तो मैं आपको बता दूं वो है नवमांस का एट्थ हाउस। अब ये क्यों है वो मैं आपको, अब उस चीज़ का आपको क्लियरिटी मिल गई। ये इसलिए है क्योंकि ये पूर्व जन्म के आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड था, तो इसको अब की बार इस श्रेणी में आना बनता ही है। किस श्रेणी में? सबसे दुखदाई वाले घर में। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे पूर्व जन्म का फोर्थ हाउस है यानी कि नवमांस कुंडली का एट्थ हाउस, अब की बार जो हमारा नवमांस कुंडली में जो एट्थ हाउस होगा वो आपके पूर्व जन्म का फोर्थ हाउस था, चौथा घर, माता का घर। तो आप ये याद रखिए आपने किस तरीके से वहाँ बिहेव किया था माँ के साथ, किस प्रकार से आप अपने घर में बिहेव करते थे, किस प्रकार से आपका मन था, किस प्रकार से आप जीवन में लोगों के साथ इमोशंस के साथ आप किस प्रकार से बिहेव करते थे, यहाँ से सब पता चलेगा। यहाँ अपनी राशि का प्लैनेट बैठा हुआ है तो उत्तम है, अदरवाइज यहाँ पे किसी का भी बैठना उचित नहीं माना जाता है, ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ या तो यहाँ पे ऐसा प्लैनेट बैठा हो जिसकी वो राशि है, जैसे मंगल बैठा है अपनी ही राशि का, उत्तम आपको वो शो करेगा यहाँ पे, या आप ये भी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस राशि में एट्थ हाउस में नवमांस कुंडली का जो एट्थ हाउस है वहाँ कोई ना बैठा हो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हमको ये शो करता है कि पूर्व जन्म में जो हमारा मन था, जो हमारा इमोशंस था, जो हमारी चीज़ें थी, वो बिल्कुल एक तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, वो हम बहुत लेके नहीं आए हैं साथ में। सिर्फ क्या लेके आए हैं? अब जब नवमांस कुंडली का जो एट्थ हाउस है यानी कि जो हमारा पूर्व जन्म का पास्ट लाइफ का जो फोर्थ हाउस था, अब उसका लॉर्ड कहीं बैठा होगा ना, सिर्फ हम उतना सा मन लेके आए हैं अब की बार साथ में, बाकी हम नहीं लेके आए हैं। लेकिन अगर नवमांस कुंडली में एट्थ हाउस में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल,
ऐसे सब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो आप ये याद रखिए, पूर्व जन्म में माता जी के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ, शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ आपने बहुत समझौते किए, आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत लोगों को वहाँ कष्ट प्रदान किए। मेलिफिक प्लैनेट्स तो यहाँ पे बैठा होना क्राइम है, आप ये याद रखिए। आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। यहाँ पे मैं एक और सूत्र आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर कोई ग्रहण योग बन रहा है, जैसे शनि सूर्य बैठे हैं, या मान लीजिए सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, पूर्व जन्म से कोई प्रताड़ना आपके साथ चली आ रही है घर में, ये बात को याद रखिएगा। और आप उसको आज के समय में अपने फोर्थ हाउस से रिलेट करके देख सकते हैं। घर परिवार नहीं होगा, माता जी के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम होगी, शांति सुख बिल्कुल नहीं होगा जीवन में, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ नवमांश कुंडली में अष्टम स्थान में कोई भी इस प्रकार का पितृ दोष, ग्रहण दोष अगर बन रहा है, तो एक तो उसका उपाय नहीं किया गया है पूर्व जन्म में आपके द्वारा, और आज तक वो आपके लिए कष्ट बना हुआ है, और अब की बार वो आपको भारी प्रताड़ना शो कर रहा है, चाहे माता जी को लेके, घर को लेके, सुख को लेके, शांति को लेके, आपके अंदर की जो जिसको कहते हैं ना पीस को लेके, उन चीज़ों को लेके हमेशा। अब यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि ये नवमांश कुंडली का जो एर्थ हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म का चौथा घर था, तो आप ये मान के चलिए ये तो एक पिटारा है कि आपके मन में पूर्व जन्म में क्या था। आपके पूर्व जन्म में मन में था लोगों को परेशान करना, माता जी से प्रेम, धर्म की तरफ जाना था, बच्चों के लिए कुछ करना था, किसी बड़ों के लिए कुछ करना था, ज्ञान के लिए, गुरु के लिए क्या करना था आपको, वो कौन सा प्लैनेट है। एर्थ हाउस नवमांश का जो एर्थ हाउस है वो उसका लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो कहाँ बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। आज हम उसको अपने चार्ट के साथ, लगन कुंडली के साथ कैसे मैच करेंगे, हमें क्या बताएगा कौन सी वो इच्छा थी। मान लीजिए वो कोई भी प्लैनेट हो, नवमांश का एर्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए कोई भी प्लैनेट हो, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अब की बार वो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड बन जाता है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कर्मा आपका अपने घर के साथ है, माता जी के साथ है, अपने खुद की जो है वो जो अंदर चल रहे द्वंद हैं उनके साथ है, मानसिक शांति के साथ है, आप घर से कहीं जाना नहीं चाहते, आप एक इनक्लोज जिसको कहा जाए ना एक अप्रोच के साथ जीवन में जी रहे हैं, वही आपकी इच्छा रही हो कि भैया हम स्पिरिचुअल हों, घर में रहें, कहीं बाहर ना जाए, लोगों से ज़्यादा मतलब ना रखें, घर में आनंद ले रहे हैं, भज गोविंदम कर रहे हैं, माता जी के हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी हैं, इन चीज़ों को शो करता है, और वो बहुत भयावह चीज़ों को भी शो करता है और बहुत अच्छी चीज़ों को भी शो करता है। तो नवमांश का एर्थ हाउस पूर्व जन्म में आपका फोर्थ हाउस था, यानी कि आपके माता का स्थान, सुख का स्थान, आपने लोगों को सुख दिया था या उनका सुख हरण किया था, माता जी की आपकी क्या पोजीशन थी आपके साथ, अब की बार वही चीज़ें फ़र्क डालेंगी, वो दशाएं, वो अंतर दशाएं उन प्लैनेट्स की जो एर्थ हाउस में नवमांश में बैठे हुए हैं डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या बना सकती हैं, आपको ऊँचा ले जा सकती हैं जीवन में। आपको नवमांश कुंडली में जो नाइन्थ हाउस होता है, नवमांश का नाइन्थ हाउस ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पूर्व जन्म का पंचम स्थान, ये पंचम स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारे पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ का हमारा फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्या इच्छा थी, हम किसके साथ प्रेम करते थे, बच्चों का घर है ये, हमारे ज्ञान का, पढ़ाई का, लिखाई का, मंत्र का। आप देखेंगे नवमांश कुंडली में जो ये नाइन्थ हाउस होता है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो ये वाला जो प्लैनेट होता है कई बार हमको अपने जीवन में प्रेम संबंध, बच्चे, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ जो पूर्व जन्म से चली आ रही है उसको साथ में अब की बार लेके आता है वो आपके जीवन में। और मान लीजिए कि ये जो आपका पूर्व जन्म का जो नाइन्थ हाउस, नवमांश का जो नाइन्थ हाउस है वो आपका पंचम स्थान बना पूर्व जन्म का, लास्ट लाइफ का, आप कहें हमारे पास्ट लाइफ को, हमें अपने पास्ट लाइफ में बच्चों को देखना है हमारे, तो आपको देखना पड़ेगा
नवमांश का 9th हाउस, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया, वो कैसे थे, उनके साथ आपका कोई ऋण है नहीं है, पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थे, आपकी बुद्धि किन चीज़ों में लगती थी, ज्ञान आप कौन सा लेना चाहते थे, कोई ख़राब ज्ञान लेना चाहते थे नटवर लाल टाइप का, या आप शुद्ध ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान पूजा पाठ मंत्र इन सब चीज़ों की तरफ जाता था, आप एज अ आप लोगों को जीवन को एज अ गुरु संतान इस तरीके से देखते थे या किस तरीके से देखते थे, ये हमको वो बताता है। तो मैं बता क्या रहा था आपको कि नवमांश कुंडली का जो ये 9th हाउस होता है, जो कि पूर्व जन्म का हमारा 5th हाउस का लॉर्ड था, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रेम को। और अब की बार अगर वो लग्न कुंडली में मान लीजिए वो लॉर्ड बन जाता है 5th का, तो हो सकता है आपको पूर्व जन्म का कोई प्रेमी मिल जाए, आपको हो सकता है पूर्व जन्म से रिलेटेड संतान प्राप्त हो जाए, पूर्व जन्म से रिलेटेड आपकी पूजा पाठ मंत्र स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस फिर वापस लौट आई और आप फिर उन्हीं चीज़ों पे लागू हो गए, काम करने लगे। अब नवमांश कुंडली में नवम स्थान पे मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए, मंगल शनि राहु केतु ये सब बैठे हुए, ये हमको बताता है कि हमारी सोच कहती थी, हम किस प्रकार से कर्म अपनी बुद्धि से लेते थे, हमारी क्या इच्छा थी, क्योंकि 5th हाउस नेचुरली हम जानते हैं हमारे ज्ञान का, हमारी समझदारी का, ऊंचे का, वृद्धि का, पोजीशन का, पावर का, मंत्र का, सिद्धि का, इन सब चीज़ों का ये घर है। हमारा जो पंचम स्थान है ये बहुत सत्यता का घर है, लॉयल्टी का घर है, धर्म का घर है। तो नवमांश कुंडली में जो ये नवम स्थान है ये हमारे पूर्व जन्म का 5th हाउस था, तो हम किस तरीके से अपने चीज़ों को प्रेम करते थे, हमारा किन किन चीज़ों की तरफ प्रेम था, हम किन चीज़ों की तरफ आसक्त थे, ये हमें सब बताता है। क्योंकि 5th हाउस प्रेम का भी होता है ना मेन, हम देखें हम किन चीज़ों में अपने आप को बड़ा पावरफुल या बलशाली समझते थे, किन चीज़ों में समझते थे भाई, अगर हमारे पास मकान हो, हमारे पास सेवा भाव हो, हमारे पास धर्म हो, हमारे पास पढ़ाई लिखाई हो, तब हम अपने आप को बड़ा बलशाली समझते थे, पावर में समझते थे, कि किस चीज़ में समझते थे कि हम लोगों को ठग रहे हैं तब हम लोगों में ज़्यादा बलशाली माने जाएंगे, कि हमने इधर से उनको ठग लिया, हमने इधर से उनका नुकसान करके अपना फ़ायदा करा लिया, या ये हमारी इच्छा रहा करती थी। नवमांश कुंडली में बैठा हुआ राहु 9th हाउस में, जो पूर्व जन्म का आपका 5th हाउस था, वहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बताता है कई प्रकार के आपने इस तरीके के हो सकता है काम किए थे, तो अब की बार वो हो सकता है आपको रिटर्न होके आए, अब की बार आपको प्रेम ना मिले, आपको पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आए, जीवन में आपको ऊंचा पद पोजीशन पाने में प्रॉब्लम आए, नौकरी में टिकने में प्रॉब्लम आए, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, आपको जीवन में जो चीज़ आपने चाहा वो चीज़ आपको ना प्राप्त हो, अधूरी रह जाए, ऐसा होता है। देखिए नवमांश कुंडली में 9th हाउस जो कि पूर्व जन्म का 5th हाउस था, वहाँ पे अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो अब की बार उनका क्या असर पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई चौपट, बिजनेस चौपट, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा गवा दिया, प्रेम संबंधों में लॉस हो गया, उसका हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, ये सारी चीज़ें हमको वो शो कर रहा है। देखिए तो जो नवमांश का 9th हाउस होता है वो हमारे पूर्व जन्म का 5th हाउस होता है। बच्चों से संबंधित हमको अब की बार क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे हो रहे हैं तो उनमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है। नवमांश का अपने 9th हाउस देखिए, देखिए 9th हाउस में कौन बैठा है, 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, आपने क्या किया था पिछली बार अपने बच्चों से संबंधित, साफ पता चल जाएगा उससे आपको, यहाँ भैया अच्छा नवमांश में 9th हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा हुआ है, ओहो हो ये तो हमने कहीं बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ दिया या ध्यान नहीं दिया या एबॉर्शन करा दिए, ये हो गया, आज हमको उन चीज़ों का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। हम देखेंगे हमारा अब की बार 5th हाउस गड़बड़ा गया, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ गई, पैसे से प्रॉब्लम, बच्चे से प्रॉब्लम, एक चीज़ पढ़ाई से प्रॉब्लम, एक चीज़ हमारी ख़राब हो गई। आप ये बात याद रखिए, जीवन में वो मान वो सम्मान वो पोजीशन वो यश हम नहीं प्राप्त कर पाए जो हम प्राप्त कर सकते थे, वो पोजीशन नहीं प्राप्त कर पाए जितनी भी हम कोशिश कर लें, हम चाहते थे कोई बड़ा पोजीशन पावर में जाना, नहीं हो पाया हमारा,
इन्हीं वजहों से, क्योंकि वो सब लौट के आ गया। वहीं पे नववांश में नाइन्थ हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं। आह कितनी सुंदर वृत्ति थी आपकी, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, धर्म, डिविनिटी, पूजा पाठ, मंत्र, श्रद्धा, इन सारी चीज़ों में आप बिल्कुल प्रथम थे। आप हर चीज़ को बड़ा ही उत्कृष्ट तरीके से करते थे। सूर्य बैठा हुआ है अपनी राशि का, मित्र राशि का, बड़ा आप जो है वो धर्मवान व्यक्ति थे, सत्यवक्ता व्यक्ति थे, लोगों को सपोर्ट करने वाले थे, इस तरीके के व्यक्ति थे। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शुभ चंद्रमा बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में नवमांश कुंडली में, उत्कृष्ट रूप था आपका, बड़े जिसको कहा जाए उज्ज्वल, हर प्रकार सब लोगों को, सब लोगों से प्रेम करने वाले, आपका कोई दुश्मन ही नहीं था। अब की बार प्रभु ने चाहा तो आपका कोई दुश्मन रहेगा भी नहीं अब की बार जीवन में, इस तरीके से आप देखेंगे। नवमांश कुंडली का जो टेंथ हाउस होता है, जिसको हम लोग नवमांश का टेंथ मानते हैं, वो पूर्व जन्म में आपका सिक्स्थ हाउस था, छठा स्थान। अब यहाँ ये आता है कि आपने यहाँ पे क्या सेवा भाव रखा था, आपने यहाँ पे क्या डेट पैदा की है। ना हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में क्या ऋण है, रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कौन सा ऋण लेके आए हैं। तो आपको यहाँ से क्लू मिलेगा, नवमांश कुंडली का टेंथ हाउस आप देखेंगे, आप देखेंगे वहाँ क्या बैठा हुआ है। आपने देखा वहाँ पे कोई केतु, राहु, शनि, मंगल, ये सब बैठे हुए हैं शत्रु राशियों में, नीच के, बकरी होके यहाँ बैठे हुए हैं। आप तुरंत समझ जाइए इनसे रिलेटेड हैवी पेंडिंग कर्मा है आपके जीवन में। आपने वहाँ पे टेंथ हाउस में अगर कोई बैठा हुआ है इस तरीके का मेलिफिक प्लैनेट, तो आप ये याद रखिए कि पूर्व जन्म में आपने जो सेवा आपको दी गई थी एक्चुअली में वो आपने बिल्कुल भी नहीं करी है। कोई रूटीन नहीं फॉलो किया, कोई सर्विस नहीं फॉलो करी, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहे, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं रहे, कोई जीवन में अपने आपका जो भी रूटीन, जो भी धर्म, जो भी काम, जो भी सेवा सर्विस दी गई आपको, आपने उसको मिसयूटिलाइज किया है। आपने उसके साथ पूरी तरीके से साधन से आपने उसको जतन से पूरा नहीं किया है, आपने उसमें गलतियां करी हैं, उसमें आपने बहुत साम दंड भेद अपनाए हैं, गंदगियां करी हैं, उसके लिए आपको अब की बार रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कष्ट, कर्जा, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें आपको बढ़ा देंगी ना। नवमांश कुंडली में टेंथ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, नवमांश कुंडली में टेंथ हाउस का लॉर्ड आपका खराब स्थिति में बैठा हुआ है नवमांश में, आप स्वयं देख सकते हैं कि जीवन में जो चीज़ का प्रयास करते हैं नहीं हो पाती, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है, हमेशा किसी ना किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, नौकरी करना बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, लोग एक प्रकार से जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो प्रताड़ित करते हैं, धोखा देते हैं, परेशानी देते हैं, जगह जगह से हमको कष्ट देते हैं, रोग ऋण छोड़ नहीं रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार का ऋण चढ़ा ही रहता है, रोग हमारे बने हुए हैं, क्रॉनिकल रोग बने हुए हैं, कोई बड़े रोग हमारे जीवन में आ गए। तो नवमांश कुंडली का जो टेंथ हाउस होता है वो एक्चुअली में नवमांश, वो आपके पूर्व जन्म का पास्ट लाइफ का सिक्स्थ हाउस था। आपने कौन से ऐसे कर्म किए थे वो यहाँ पे बताएगा, जिस जो पेंडिंग कर्मा बन के अब की बार आपके साथ आए हैं, वो वाला कौन सा प्लैनेट है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो उसकी दशा में, अंतर दशा में, वो जिस घर में बैठा हुआ है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो सकते हैं। मान लीजिए नवमांश कुंडली में टेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, और अब की बार लगन कुंडली में राहु बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में, और वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी तो राहु की दशा नहीं आई लेकिन हमारा तो बंटा धार फिर भी हो गया गुरुजी, तो बारहवें स्थान के कार्यों की वजह से बंटा धार हो जाएगा, यानी कि उल्टा सीधे चीज़ों में घूमना, पढ़ाई लिखाई ना करना,
शराब मौज मस्ती जीवन को जीवन ना समझना, तथ्य को ना समझना, फैक्ट को ना समझना, जब समझने का समय था तब उस वजह से आप खराब हो गए, उसने वो हाउस ही खराब कर दिया आपका। इसलिए चाहे आपकी दशा वो आई या नहीं आई, राहु जहाँ बैठा हुआ था आपकी बार, उसने उस घर से संबंधित आपको तबाह कर दिया। पढ़ाई लिखाई के समय में आपको अफेयर में डाल दिया, रिलेशनशिप में डाल दिया, तब जीवन चौपट हो गए, उसने चौपट कर दिया किसी भी तरीके से। यहाँ ये भी बात होती है, तो वो हमारे पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या कर्म है भैया, हमारा क्या डेट है, असली डेट हमारे पूर्व जन्म में क्या हम चढ़ा के लेके आए हैं उस प्लैनेट से संबंधित, हमें पता चलता है। नवमांश कुंडली में 10वें स्थान में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपके पास्ट लाइफ का 6th हाउस है, आपने उससे रिलेटेड डेट क्रिएट किया हुआ है। जब तक वो नहीं आप दूर करेंगे, अब की बार भी आपको शांति नहीं मिलेगी, आप ये देख लीजिएगा। नवमांश कुंडली का जो 11th हाउस होता है, अब देखिए नवमांश कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो होता है हमारे पूर्व जन्म का शादी का घर, मैरिज का। अब ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मैरिज को, पार्टनरशिप को, हमारे जीवन में भोगों को, हमने अपने लाइफ में किस प्रकार से दुनिया में अपनी छवि बनाई हुई थी, हमने लोगों के साथ क्या चीज़ साझा करी थी, क्या बांटा था हमने लोगों के साथ। अब नवमांश कुंडली में 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, अब वो आपके पूर्व जन्म की मैरिज से रिलेटेड है, इस बात को याद रखिए। अब वो प्लैनेट अब की बार आपके चार्ट में शुभ है अशुभ है, कहाँ बैठा हुआ है, उसकी दशा में अंतरदशा में काफ़ी प्रताड़ना आपको वो प्रदान कर सकता है, ये बात याद रखिए। बिजनेस से संबंध में, मैरिज के संबंध में, लाइफ में जीने के संबंध में, एक तरीके से आप कह रहे हैं आपका बैलेंस हिला के रख देगा वो, पूरे का पूरा माइंड कहीं, काम कहीं, घर कहीं, शादी कहीं, बैलेंस एकदम से हिला के रख देगा। नवमांश कुंडली में 11th हाउस आपके पूर्व जन्म का शादी का घर था, मैरिज का घर था। अब आप देख सकते हैं वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, बृहस्पति बैठे हैं। मैरिज में भैया हम बड़े अच्छे से चले थे, बहुत सही काम किया था, बड़ा धर्म से ज्ञान से आपस में मिलजुल के साथ दे के धर्म की चर्चा करते हुए जीवन कटा था हमारे पूर्व जन्म में शादी का। अब की बार हमारी शादी प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। हाँ, ये वाला भी पॉइंट है कि नवमांश कुंडली में फिर जो ये 11th हाउस है, 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, अब वही अपने में नीच हो, वक्री हो, कहीं अशुभ स्थानों में बैठा हो गया मंटाधार, हो सकता है फिर वो कहीं खराब स्थिति में बैठा हो, ये हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, मान लीजिए ये नवमांश में 11th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, उत्तम बात है, और यहाँ पे ये शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, अपना अच्छी राशि में बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि है इसके, अपने बल से बैठा हुआ है एक तरीके से, तब आप मान के चलिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व जन्म में ये जो 10th हाउस है ये आपका 6th हाउस था, पूर्व जन्म का 6ठा स्थान, तो आपने किस प्रकार से इस प्लैनेट के साथ आपने सेवा करी थी, आपने किस प्रकार से इसके साथ सही तरीके से क्वालिटी से पेश आए थे कि नहीं आए थे, वो आपको बता देगा देखिए। और अगर वहाँ पे वो अच्छा ना हुआ तो आपका शादी में अब की बार मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज में इश्यूज, ससुराल में इश्यूज, जीवन में एक तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया आपकी लाइफ का बैलेंस हिल जाएगा। आप जीवन में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति घर में रहे तो चैन नहीं, बाहर जा नहीं सकता, या बाहर जाना ही उसको पड़ता है, शायद वो निकले तो उसको आराम आए, बाहर जाके भी उसको लॉस हो जाता है, ये चीज़ों को शो करता है। और अदरवाइज नवमांश कुंडली का जो ये 11th हाउस होता है ये हमारे पूर्व जन्म का मैरिज का घर है, शादी का घर है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कई लोगों की शादियां क्यों गड़बड़ हो रही हैं, क्यों हो गई, वो दूसरे को इस मामले में दोष ना दें, स्वयं देखें कहाँ
नवमांश में 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में कौन बैठा है, अब की बार वो प्लैनेट्स अब की बार लगन कुंडली में आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं, कौन हैं, जब उनसे आप मैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई शुभ फल मिलेगा या हमारे लिए लॉसेस हमने खुद क्रिएट किए थे तो हम किसी दूसरे को दोष क्यों दें, वो ये बताता है। तो हमको कैसे चलना है, हमको हमारा एटीट्यूड कैसे रखना है, हमें ये समझ आ जाता है। नवमांश कुंडली का 12th हाउस हमारे पूर्व जन्म का 8th हाउस था। अब 8th हाउस हमारे पूर्व जन्म का बताता है हमारे निज दोष कि आपने क्या निज दोष किए थे, क्या निज पाप किए थे, महापाप आपने क्या किए थे वो बताता है। 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको बताएंगे आपके निज दोषों के बारे में। अब अगर वो शुभ प्लैनेट हैं, शुभ राशियों में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है वो आपके शुभ कर्म थे, आपको ये बताते हैं। वहीं पे अगर वहाँ पे पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि मंगल राहु केतु, वो बताते हैं उनसे रिलेटेड आपने काफ़ी पाप कर्म किए हैं, आपके निज दोष हैं ये, इनसे आपको गुजरना पड़ेगा। वहाँ पे चाहे सूर्य बैठे हैं, मान लीजिए किसी के चार्ट में 12th हाउस में नवमांश कुंडली में सूर्य बैठे हैं, आपको अब की बार पिता यश मान सम्मान इनसे आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट लाइफ में आपने इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करी थी, ये मैं आपको बात बता दूं। उसी तरीके से आप और चीज़ देख सकते हैं। नवमांश कुंडली में जो ये 12वां स्थान होता है ये हमारे पूर्व जन्म का 8th हाउस होता है, और 8th हाउस हम जानते हैं अपने लॉसेस के लिए एक्यूट, जिसको कहा जाए क्रॉनिक, हमारा क्या था, तो इसमें पाप आता है, इसमें सिन आता है, इसमें डेथ आती है। डेथ का एक होता है जो मैं आपको बता रहा था जब 12th हाउस के बारे में, पास्ट लाइफ के 12th हाउस के बारे में, कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, आप क्या सोच लेके गए थे। यहाँ पे नवमांश में जो 12th हाउस होता है वो आपके डेथ का मूमेंट बताता है उस समय, कि आप जब डेथ हुई थी तो आपका आपके साथ कौन था, वहाँ पे क्या पोजीशन थी, आपका किस तरीके से डेथ हुई थी, वो उस पोजीशन को बताता है आपको। तो हमारे नवमांश का जो 12th हाउस होगा वो हमारे पूर्व जन्म का 8th हाउस है, हमने क्या मिस्टेक्स करी हैं, और वो मिस्टेक्स हमने जानबूझ के करी हैं, सह के करी हैं, हम जानते थे उन मिस्टेक्स के बारे में, हमने झूठी गवाही दी है, झूठे काम किए हैं हमने, लोगों के साथ हमने प्रताड़ना दी है, उनके साथ चीट किया है, कुछ किया है। यहाँ पे वो प्लैनेट आपको जो बैठा होगा वो आपको बताएगा। अब अगर वो शत्रु राशि में है, वक्री है, नीच का है, वो अवश्य उन चीज़ों के बारे में और बताएगा, उसकी दशा और अंतर दशा में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए वहाँ पे बैठा हुआ 12वें स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट अब की बार आपका 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, उदाहरण के तौर पे आपको काम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको जीवन में काम छूट जाएंगे, अचानक काम छूट जाएंगे, काम मिलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें होंगी। और नवमांश कुंडली में जो ये 12वां स्थान है जो हमारे पूर्व जन्म का अष्टम स्थान भी दिखाता है, ये हमारे पूर्व जन्म की किसी तपस्या को भी दिखा सकता है, स्पिरिचुअलिटी, गूढ़ तपस्या, अकल्ट रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, उन सारी चीज़ों में लगा होना और अब की बार उनका कैरी फॉरवर्ड होना, उस तरीके की इच्छा भी आपको बता सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।